चैनल मिस्टर मिसेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दया से, प्रभु की दया से मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, कि मैंने किस तरीके से कंसीव किया है नेचुरली, बिना कोई दवाई, बिना कोई मेडिसिन, बिना कुछ किए, बिना मैंने कैसे कंसीव किया है, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊँगी। देखो गाइज, डॉक्टर ने तो मुझे लैप्रोस्कोपी के लिए भी बोल दिया था, 3 बार मेरा जो है फॉलिकल स्टडी हुआ था, पर वो सब फेल हो गया। उसके बाद मैंने किस तरीके से नेचुरली कंसीव कर लिया, उस चीज़ को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट का और आपके प्यार का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम में। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। सो गाइस, चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँगी। देखिएगा, इसमें अपने लैप्रोस्कोपी का जो वीडियो है और जो फॉलिकल स्टडी का वीडियो है, वो सारी मैं पार्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस सारे वीडियोस में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुआ था मेरे साथ में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से कंसीव किया, मुझे कैसे पता चला, वो सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं हर्बल एप्पल न्यूट्रिशन यूज़ कर रही हूँ। जब डॉक्टर ने मुझे लैप्रोस्कोपी के लिए बोला था, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया, क्योंकि गाइस लैप्रोस्कोपी से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे हस्बैंड को जब मैं आकर बताई कि डॉक्टर ने मुझे ये बोला है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, और वो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ सेंटर चल बस। और उसके बाद जब मैं हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करी, वो तो मैं पहले से ही ले रही थी घर पर ही, लेकिन गाइस उसको प्रॉपर तरीके से लेना रहता है, उसके साथ में कुछ डाइट भी फॉलो करनी रहती है, जैसे छोटी मोटी एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन और 20% आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए गाइस मैं सेंटर जाना स्टार्ट की, तो वहाँ पे मेरे जो सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है कहाँ खाना, कहाँ से खाना खाते हैं। तो मैंने बोला था कि सर, मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खाती, काफ़ी टाइम से मैंने बाहर का सब कुछ छोड़ दिया है, घर का बना हुआ खाना खाती हूँ। सर ने मुझे एक चीज़ बोला था कि देखो, क्या आप धान घर पर उगाते हो, क्या आप सब्ज़ी घर पर उगाते हो, क्या आप जो गेहूं है वो घर पर उगाते हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप घर पर खाना खाते हो, क्योंकि जो हम बाहर से ही ये सारी चीज़ें लाते हैं, सब्ज़ी वगैरह लाते हैं, और वो हम घर पर बना के खाते हैं, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते कि हम घर का खाना खा रहे हैं साफ सुथरा, क्योंकि जो सब्ज़ी आप लेकर आए हो ना, वो वही केमिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ सब्ज़ी है। तो आप उसको घर में कितना भी साफ़ कर लो, कितना भी धो लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो घर का खाना नहीं हो सकता है। अपनी बाड़ी पे उगाई हुए सब्जी को खाओ, और जो बाहर बेचते हैं वो सब्ज़ी को लाकर खाओ, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो मैंने सर से पूछा था, सर हमको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि देखो, घर का खाने का मतलब होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हो, जो चीज़ की आपकी बॉडी को कमी हो, उस कमी को आप पूरा कर रहे हो, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होता है, उस चीज़ को बोला जाता है घर का खाना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप घर का खाते हो? तो मैंने बोला ठीक है सर, कि हम बाहर का ही खाते हैं, तो सर उस चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँ? उन्होंने बोला था कि आप कितना सीरियस हो अपने बॉडी को ठीक करने के लिए। मैंने बोला था कि सर मुझे तो, मैं बहुत सीरियस हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर मेरा डाइट चार्ट मुझे बना कर दिया, और सच बताऊँ, राजकुमार जांगड़े सर, उनका नाम है राजकुमार जांगड़े सर, 62 ईयर्स के हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और एक मंथ मैं वहाँ पर कंटिन्यू गई, और एक मंथ में मेरा पूरा वेट लॉस हो गया, मतलब 5 kg वेट लॉस मैंने किया वहाँ पर। सो वैसे ही जाना मैं स्टार्ट करी, और जाते गई, और 1.5 महीना हो गया। तो बीच बीच में ना मुझे, जब 1.5 महीना समथिंग हो गया था, तो और ना 2 मंथ से मेरे पीरियड नहीं आए थे, तो मैं सोच रही थी, क्योंकि पहले तो रेगुलर ही आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि फिर से कहीं ऐसा हो गया होगा, तो इसीलिए मैं ना ध्यान नहीं दे रही थी वो सब चीज़ों को। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तू एक बार जा, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा थकावट सा लग रहा था, मैं थोड़ा लेजी से फील कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, और उन्होंने बोला कि एक बार जा तो डॉक्टर को दिखा ले। मैंने कोई टेस्ट नहीं किया घर पर, कुछ भी नहीं किया, मैं सीधे गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को मैं दिखाई, और डॉक्टर ने फिर पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट उन्होंने किया। मैं सोच रही थी ऐसे ही होगा, फिर दवाई देंगे, फिर उसको खाना पड़ेगा, फिर ऐसा सा। फिर उन्होंने मुझे टेस्ट किया मेरा, और मैं सच बताऊँ, मैं अपनी आँख को ऐसे बंद करके रखी थी, क्योंकि मुझे वो देखना ही नहीं था। फिर उसके बाद 2 पिंक लाइन दिखा वहाँ पे, फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि देखो देखो इधर देखो, फिर डॉक्टर ने बताया कि आप कंसीव कर चुके हो। उसके बाद
सच बताऊं मैं डॉक्टर के पास इतना ज़्यादा रोने लगी, मैं बहुत रोई उनके पास वहाँ कि ऐसे कैसे, मतलब मैं सोच भी नहीं रही थी और मतलब मैं सोच ही नहीं थी कि मुझे इतना जल्दी इसमें ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगा, कंसीव हो जाएगा। और उसके बाद गए, बहुत खुश हुई। सेकेंड डे में फिर सोनोग्राफी के लिए उन्होंने बुलाया। सोनोग्राफी के लिए मैं सेकेंड डे गई थी, 20 सितंबर को मैं सोनोग्राफी के लिए गई थी। और जब मैं सोनोग्राफी करवाई तो वहाँ पे मेरा 2.5 महीने का प्रेगनेंसी निकल के आया, मेरा बेबी ये सब कुछ हो गया था कंप्लीट। और उन्होंने हम लोग उसमें देखे जो दिखाते हैं उसमें, और मैं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो देखा गाइस, डॉक्टर ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला था कि लैप्रोस्कोपी ये वो दुनियादारी, क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने डाइट को फोकस किया, अपने हेल्थ को सुधारने की कोशिश की, सही खाना खाने की कोशिश की। दोनों टाइम मैंने हर्बल लाइन न्यूट्रिशन को लिया, एक टाइम बस मैं खाना खाती थी चावल, और बाहर का टोटल बंद कर दिया, जंक फूड वगैरह टोटल बंद कर दिया। और छोटी सी चीज़ों को चेंज करने के बाद इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली। इम्पॉर्टेंट होता है गाइस अपनी बॉडी को ठीक रखना, इम्पॉर्टेंट होता है अपनी डाइट को ठीक रखना। हम बोलते तो हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ना वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट पे, जो ना हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ना हर्बल लाइफ की वजह से मेरा बॉडी ठीक हुआ और मुझे कंसीव भी हुआ। और ये परमेश्वर की महिमा है, प्रभु की दया है कि मुझे प्रभु ने इतनी बड़ी खुशी दी मेरे जीवन में। देने वाला तो परमेश्वर ही होता है गाइस, चीज़ें सिर्फ जरिया बनती हैं, लेकिन ये चीज़ भी होता है कि अपनी बॉडी को आप लोग ठीक रखिए। तो ये गाइस छोटी सी जानकारी आप सबके लिए कि मुझे कैसे पता चला और मैं कैसे कंसीव कर ली नेचुरली। सो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।